बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं बॉस व्लॉग्स। और जी हाँ, आज आपको पाकिस्तान में, बैरून मुल्क तो आपने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर आपको दिखाते हैं कि एक जानवर जो छोटा सा परिंदा है, क्रो, कव्वे की जान बचाने के लिए ये तकरीबन हाफ डे से यहाँ पर लटका हुआ है। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जी ये है वो कव्वा जो तकरीबन आधा दिन से यहाँ पे लटका हुआ है, और इसको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। और यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की गाड़ी आ चुकी है और तमाम लोग ये इस ऑपरेशन को देखने के लिए जमा हैं। और अब देखते हैं कि किस तरह से इस पाकिस्तान के अंदर इस अनोखे ऑपरेशन को किया जाता है और कितना कामयाब ऑपरेशन ये साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त 1122 का जो डिपार्टमेंट है वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है, और एक जवान भी उनका जनाब पहुंच चुका है अपनी जगह पे, और अभी क्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं जनाब, तो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त शाम के तकरीबन कोई 5 या 6 बजे का टाइम है। मैं तेन फिर वेख्या सी, तू नजर नहीं आया। हाँ लिया रेस्क्यू नुमाइंदा काफ़ी ऊपर तक तो पहुंच गया है, लेकिन देखते हैं ये उस कब्बे तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। कहना पड़ेगा जरा, मुकावाने पैना ही इधर। रेस्क्यू अहलकार अभी काफ़ी दूर है। पाकिस्तान में परफॉर्म किए जाने वाला मेरी नज़र में ये पहला ऑपरेशन है जो मैं इस तरह से देख रहा हूँ, उसको कवर कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान में इस तरह के कारनामे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया गया है इदारे की तरफ से। बाकी
जनाब ये तो इजीली पहुंचा जा रहा है, दिखने में नहीं लग रहा था कि क्रेन यहाँ तक जा पाएगी, बट ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है सेटअप है इनके पास, बहुत अच्छी मशीनरी है, जदीद मशीनरी है जी माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। एक रेस्क्यू अहलकार है, जूम करने से इसकी तस्वीर तो ख़राब हो रही है वीडियो क्वालिटी, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। जी तो अहलकार ने कब्बे को पकड़ लिया है और अब उसको छुड़वाया जाएगा। गालिबन यहाँ पे पतंगबाजी होती है तो कोई पतंग कट के आई होगी और आती रहती है यहाँ पे, पतंग जो है वो फंसती रहती है, जिसके नतीजे में कोई डोर होगी शायद, जिस डोर के साथ वो उलझ गया ना कब्बा और लटक गया। ये तो ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह, कब्बे की जान बच गई। गालिबन 8 से 10 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया जनाब। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद ऑपरेशन था जनाब, जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, कब्बे की भी खुशी की इंतहा नहीं होगी यकीनन, ना आप तमाम देखने वालों को भी खुशी महसूस हो रही होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी इस कदर जो है गुड रिस्पांस आ रहा है। Oh
हीरो कपड़े को तो जनाब देखें, ज्यादा दिन से लटका रहा है। जी तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने वाला ये ऑपरेशन, आप देख सकते हैं जी कपड़े को रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये हैं जनाब पाकिस्तान के वो हीरो जिन्होंने एक छोटी सी जान, जान किसी की भी हो जनाब उतनी ही कीमती है जितनी की जान को बचाया जा चुका है। कभी भी नहीं कटी जानी उसको लो। रेस्क्यू एहलकार इस वक्त सफाई का अमल जारी रखे हुए हैं, जो कपड़े के परों में डोर लिपटी हुई थी जिसकी वजह से वो लटका हुआ था उसको क्लियर किया जा रहा है। आओ यार पानी काफी थका हुआ इस टाइम थोड़ा लै यार पर गुड़ ठीक है ना भाई? और पर तो ठीक है, वैसे लात पकड़ी है। नहीं नहीं वो अभी उन्होंने अपने आप खड़ी है लात, उन्होंने आलू गुस्साया किया। आलू जी पानी भरे हो जी, और का उठ गई है नहीं और उन्हें जल्दी की नहीं इतना ने पीना ही नहीं है पानी। कतरे भाजी बैठे ने मुंह च ना इदा रेस्क्यू वालों का ये ऑपरेशन जनाब कंप्लीट हो चुका है। ये है जी रेस्क्यू डबल वन डबल टू, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको काफ़ी मुनफरिद और पसंद आया होगा। ये तो आपने देखा कि किस तरह से इस ऑपरेशन को, एक मुनफरिद ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया और माशाल्लाह सब खुश हैं। एक मुनफरिद व्लॉग था जो आप तक पहुंचाना था और बहुत ही अच्छे से ये हो गया। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।